मैं मुकेश गुप्ता कटेहर वार्ड नंबर 45 का बूथ अध्यक्ष। आज ये यात्रा निकाली जा रही है, क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य मोदी जी का स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी जागरूक हैं और भारत में स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था अब तक रही है, जिसे सुधारने के लिए तमाम मेडिकल कॉलेज का आज उद्घाटन हो रहा है। और ये यात्रा कहाँ से प्रारंभ होगी? ये यात्रा हम लोगों का तो फिलहाल यहाँ के वार्ड से और कटेहर वार्ड से सारे लोग एक जगह इकट्ठे होके डीएवी से इकट्ठे होके संपूर्णानंद पहुँचेंगे। वहाँ पे माननीय मंत्री जी के साथ हम लोगों का प्रस्थान होगा राजा तालाब के लिए। मोदी जी वाराणसी में आ रहे हैं जी, कितनी उत्साह है? अरे उत्साह तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ, क्या पूरे बनारस में उत्साह है, और इतना ज़्यादा उत्साह है कि हमारे सांसद हमारे साथ, इससे बढ़ के और क्या चाहिए। परिचय आपका? काशीनाथ अकेला, भारतीय जनता पार्टी, वाराणसी महानगर महामंत्रीपुर। आज किस तरह की यात्रा निकाली जा रही है? आज माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी के नेतृत्व में उनकी सभा राजा तालाब में है, जो कि आज 650 करोड़ रुपए का सौगात वाराणसी को देने वाले हैं। उसमें कई काम अब तक हो चुके हैं और बाकी कामों को वह आज उद्घाटन करके उसका शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। माननीय पूरे भारत के ही नहीं पूरे विश्व के यशस्वी नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण आज हम सब कार्यकर्ता प्रत्येक वार्डों से, वार्ड नंबर 70 मुनीर गुप्ता जो भाजपा के प्रत्याशी थे उनके नेतृत्व में पीलीकोटी से 2 बस और 100 बाइकों के साथ भारतीय जनता पार्टी का सभी वर्ग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी वर्ग के कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने यशस्वी नेता को सुनने के लिए राजा तालाब मेहंदीपुर में जा रहा है। ये यात्रा कहाँ से कहाँ कैसे होते हुए? यह हम सब लोग संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में माननीय प्रधानमंत्री अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मंत्री और अपने दक्षिणी के विधायक माननीय डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी के नेतृत्व में संपूर्णानंद से यात्रा राजा तालाब के लिए प्रस्थान करेगी।